सोलन की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन समय समय पर आदेश जारी कर रहा है। उन आदेशों में मुख्यतः दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति के बैठने और कार में चालक सहित तीन व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जाए। दुकानों के आसपास खड़े होने के लिए पेंट से घेरे लगवाए गए हैं। घर से निकलने पर मास्क लगाने पर बल दिया जा रहा है। अब जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के घर से निकलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाजार से उसे सामान नहीं दिया जाएगा। उपायुक्त सोलन के सी चमन ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों की पालना करवाना अब दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी और अगर वे बिना सोशल डिस्टेंसिंग रखे सामान बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सोलन के व्यापारियों से आग्रह किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाजार में बिना मास्क डाले आता है तो उसे सामान ना दिया जाए। शॉपकीपर की जिम्मेवारी है कि अगर सामान वितरण कर रहा है वो ध्यान सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग में बाहर रखे। हमने व्यापार मंडल से मीटिंग की है, उनको कहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहन कर नहीं आएगा उसको सामान उसको वापस घर भेजा जाए, उसको सामान मत दें। तो इसकी बड़ा कड़ाई से अनुपालन करें। जो भी इसमें कोताही करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो ठेकेदार हो, अगर वर्क प्लेस के लेबर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे वो बाजार हो, अब ये कड़ाई से इसकी अनुपालना हम सुनिश्चित करेंगे।